अरे ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। हम अपना सब कुत्तों का वफादारी तराजू का एक पलड़े में डालूं और इसका वफादारी तराजू का दूसरा पलड़े में, तो भी इसका वफादारी भारी पड़ेगा। शाका, मुझे फखर है तुझ पे। मुझे पूरा पूरा यकीन था कि शाका मारा जा सकता है लेकिन जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता। मैं मर नहीं सकता दारा, ना ही जिंदा पकड़ा जा सकता हूं। बस मार सकता हूं, सिर्फ हार सकता हूं। शाबाश मेरे शेर। बंदूकें, बम, हथियार लूट लाया रे तू, तो पुलिस को लूट लाया। हाँ दारा, अब कुछ महीनों तक वो यहां बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर आने का ख्याल तक नहीं करेंगे। शाबाश मेरे शेर, आज मुद्दतों बाद जश्न मनाने को दिल कर रहा है। हमारे वतन में पैर रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बहुत खून बहाया था तुम लोगों ने हमारे भाइयों का। क्या तुम लोगों ने खून नहीं बहाया था हम लोगों का? मेरे माँ बाप बहने सबको मार डाला था तुम लोगों ने, लेकिन वो एक जुनून था जो गुजर गया। आज मैं अपने प्यार को लेने आया हूँ। कहो, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हेलो, नमस्कार ठाकुर साहब। सतबीर को याद किया आपने? सुना है आप हमें ढूंढ रहे हैं। याद तो हम माधुरी दीक्षित को भी करते हैं, लेकिन वो मिलती का है। ताऊ की, ताऊ की, ताऊ की। ये जय जयकार मुझे ठीक नहीं लगती। मैं तो एक मामूली सा तुच्छ पुरुष। भंटी जी, ये चांदनी है। नमस्ते। हमारी बेटी। हमारी मतलब मेरी है। हाँ, यही हम सोच रहे थे। हम तो बहुत दिनों से शिकार पे गए नहीं, तो ये बंदूक किसने चला डाली? जी मजाक। छुट्टी वाले दिन मेरा बाप मुझे गोद में बिठाकर हाथ में पौवा पकड़कर आसमान की तरफ देखा करता था और कहता था, बेटा मैं तुझे किस लाइन में डालूं, तुझे क्या बनाऊं। फिर उसने खुद ही फैसला किया और मुझे बताया कि मैं तुझे पायलट बनाऊंगा। मैंने वो पोशाक और नाम अपना लिया और आदमी उड़ाता हूं। क्यों, आज यहां के राजा को दारा के दर पर आना पड़ा? दारा, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हम बुरे बनकर आतंक फैलाते हैं और तुम लोग सफेद कपड़े पहनकर आतंक फैलाते हो। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। ठंडे दिमाग से सोचो, तुम जैसे इंसान को ये शोभा देता है और क्या? हमारी इज्जत का क्या नैरोबी? हमें अपना रुतबा बरकरार रखना है। कर नहीं चल सकते? यही सवाल मैं भी तो आपसे कर सकता हूँ। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? जिन बड़ों को छोटों से बात करने की तहजीब ना हो, उनसे मैं ऐसे ही बात करता हूँ। नजर नीची करके बात करो, हमारे जूते की धूल के बराबर भी नहीं हो तुम। धूल भी अहंकार पसंद नहीं करती, लात मारो तो सर पर चढ़ती है। खून में इतनी गर्मी अच्छी नहीं होती। टकराने से पहले कम से कम इतना जान लिया करो कि सामने वाला कौन है। शुक्र कीजिए क्या जान जाने में टकरा हुआ है,
और दुआ कीजिए कि कभी जानबूझकर टकराना ना पड़े, वरना जान पहचान महंगी पड़ जाएगी। हाथ में बंदूक हो तो एक बच्चा भी ऊंचे सुर में बात कर सकता है। अगर बंदूक ही चलानी होती ठाकुर, तो अब तक तुम्हारी खोपड़ी में इतनी गोलियां डाल चुका होता कि देखने वालों के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता कि यह ठाकुर हंस की खोपड़ी है या शहद की मक्खियों का छत्ता। किस मजहब में लिखा है कि खुद की खुशी के लिए किसी और की जान ली जाए? बकवास बंद कर, मैं सर पे कफन बांध के निकला हूँ। मैं तुझे कफन भी नसीब होने नहीं दूंगा। मैं इसे तोड़ दूंगा। तू नहीं जानता मुझे तूफानों से खेलने की आदत है। तू खेलता होगा तूफानों से, हमने तो तूफान पाले हैं। जो डरते हैं सो मरते हैं, हम मरकर जीने वाले हैं।